packet salt where we were, where Paheli had taken salt, and actually she had taken a large amount of salt, okay, one packet salt and sand, okay, and she was unable to get results. जो रिजल्ट उसको जैसा एक्टिविटी के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, उसको नहीं मिला. और उसको सॉल्ट कैसा मिला? सॉल्ट बहुत ही लेस अमाउंट में उसको मिला, इतना सारा सॉल्ट ऑप्टेन नहीं कर पाए. तो हमारा जो भी प्रिंसिपल्स जिस पे बेस्ड हमने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं वो तो बिल्कुल ठीक है. तो गलती कहाँ हुई, मिस्टेक क्या थी पहेली की, उसको समझते हैं. देखिए, पहेली ने बीकर लिया, राइट, और ग्लास जिसमें भी उसने सोल्यूशन बनाया, और उसमें उसने सॉल्ट लिया बहुत सारा, ओके. तो हुआ क्या, मैं वो आपको बता रही हूँ. ये सॉल्ट है बहुत सारा, उसमें सैंड पार्ट, सैंड भी है, राइट, ये मैं रेड से इंडिकेट कर रही हूँ आपको. और फिर वाटर उसने थोड़ा सा ऐड किया, बस उसको ये पता था कि ये वाटर ऐड कर देना है, और सॉल्ट विल डिपॉजिटेड एट द बॉटम आफ्टर सम टाइम. लेकिन बच्चों इसमें क्या हुआ, सॉल्यूट, वी नो दैट सॉल्ट dissolves in water but in limited amount. ये नहीं कि आप कितना भी salt add करते चले जाएँ, जितना आप चाह रहे हो और आप salt add करे जा रहे हो उतने आप water में और soluble होता रहेगा, नहीं. तो जब salt उसमें soluble नहीं हुआ, इतना सारा salt ले लिया कि water बहुत कम था उसके लिए, या तो पहेली को बहुत सारा water add करना था इतने salt के लिए, या फिर salt कम add करना था, okay? तो गलती पहेली की क्या हुई, या तो सॉल्ट की क्वांटिटी लेस होनी चाहिए थी, या फिर सॉल्ट जो लिया है तो फिर जितना लिया उन्होंने तो फिर वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा होनी चाहिए थी. और उन्हें ये मेक श्योर करना था कि वाटर ये पूरा सॉल्युबल हो जाए, ओके, पार्टिकल सॉल्ट के ना दिखें, उसमें दिख रहे होंगे डेफिनेटली. तो इसीलिए जब पहेली ने फिल्टर किया, जहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड आपने पढ़ा था, तो जब फिल्टर किया होगा तो फिल्टर पेपर पे क्या आया होगा, फिल्टर पेपर पे जो रेसिड्यू उसने ऑप्टेन किया होगा, रेसिड्यू, उसमें सैंड के साथ साथ देयर विल बी सॉल्ट आल्सो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसीलिए क्या हुआ, वाटर में अब जो पानी जो बचा था, ठीक है, अब जो वाटर सॉल्टी वाटर हम सोच रहे थे वो उसमें उतना ही था जितना सॉल्युबल हो सकता था, और उतना ही सॉल्ट, इसी वजह से लेस अमाउंट उसने सॉल्ट का ऑप्टेन किया. डू यू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ बाय इंट्रोड्यूसिंग टू यू फ्यू टर्म्स, राइट. वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो बच्चों जल्दी से हम समझ लेते हैं. देखिए, सॉल्यूट आप जानते हैं, मैंने फोर्थ चैप्टर में आपको समझाया है, सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व. जैसे शुगर को वाटर में आप डिजॉल्व कर रहे हैं तो शुगर विल बी अ सॉल्यूट, ऐसी सॉल्ट विल बी अ सॉल्यूट. सॉल्वेंट हमारा क्या है इन दोनों केसेस में, वाटर, ओके, विच इज यूज्ड फॉर डिजॉल्विंग द सॉल्यूट, ओके. अब आप ये देखिए, इसमें मैं आपको दो टर्म्स समझा देती हूँ, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. देखिए, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड समझ लीजिए पहले. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आप देखिएगा नाइन्थ में भी आपको बहुत यूज़ में आएगा. अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो नाइन्थ में सब आसान लगेगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यू हैव वाटर, ओके, यू एडेड 1 teaspoon ऑफ शुगर से सॉल्ट इन वाटर, देन अगेन 1 teaspoon, यू आर एड कीप ऑन एडिंग सॉल्ट, राइट, और शुगर आपकी चॉइस है, आप ऐड करते रहिए इनसे, एक लिमिटेड अमाउंट है, सपोज करिए 100 ml में आप ऐड कर रहे हैं, ओके, 100 ml वाटर में. तो जब आप ऐड करते रहेंगे यू विल फाइंड कि स्लोली एंड स्लोली सॉल्ट विल यू नो नॉट रेडली डिजॉल्व इन वाटर, इतनी आसानी से डिजॉल्व नहीं होगा, यू हैव टू स्टर, उसको आपको बहुत देर तक चलाना भी पड़ेगा. और उसके बाद भी आप देखेंगे कि अब सॉल्ट बिल्कुल डिजॉल्व नहीं हो रहा. इस स्टेज को हम कहते हैं कि वी हैव ऑब्टेंड व्हाट, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे जब कभी आप बहुत पढ़ वढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर ली अपने एग्जाम्स के टाइम में और बहुत घंटों हो गए आपको बैठे हुए पढ़ते हुए, तो एक टाइम आ जाता है जब दिमाग में कुछ नहीं आता है, तो सैचुरेशन पॉइंट उस टाइम रीच कर जाता है ना. ऐसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, किस टाइप का सॉल्यूशन है, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड.
टू अ सॉल्वेंट. ओके, उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया. ये शायद समझ में आ गया होगा. अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड में आप इससे पहले जितना था, यानी जब आप 1 टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड किया वो डिसॉल्व हो गया, है ना. जब तक डिसॉल्व हो सकता है उससे पहले तक का जो होता है, जिसमें आप ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी टेंडेंसी है, अभी इतनी कैपेसिटी है कि वो और भी ले सकता है सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, उसने पहेली ने कैसा सॉल्यूशन बना दिया था, वो सैचुरेशन के भी बियॉन्ड पहुंच गया था, इतना सारा सॉल्ट डिपॉजिट हो गया था फिल्टर पेपर पे. ओके, अनसैचुरेशन का मीनिंग समझ में आ गया. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट सॉल्यूट का मीनिंग समझ में आ गया. इसको मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. और अनसैचुरेशन का मीनिंग समझ में आ गया, जिसमें आप और सॉल्यूट डाल सकते हो, ठीक है, और वो डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड. सैचुरेशन अगर आपको, आप चाहते हैं आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप थोड़े सा अगर और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, हम लोग या तो स्टर करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, उससे क्या होता है, आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए वो सॉल्युबल हो जाएगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. आई होप ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू. Now I'm giving you table 5.2 as a homework. Okay, go through this table and you have to tell me in the end which one is more soluble in water, salt or sugar. In which you have, what you have to do, I'm giving you a limit. If you have a measuring cylinder or if you are taking a glass, आपके पास शायद घर पे measuring cylinder तो नहीं होगा. अगर आप ग्लास, तो आप हाफ ग्लास वाटर से स्टार्ट करिएगा बस, ठीक है. नॉर्मल वाटर, नॉट दैट वाटर विच हैज वेरी हाई टेम्परेचर, ऐसा पानी नहीं लेना है. नॉर्मल वाटर में आप देखिएगा पहले, और देखिएगा सॉल्ट कितना डिसॉल्व हुआ है, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, यू हैव टू काउंट. ओके, सेम दूसरे ग्लास में भी उतना ही वाटर लेना है एंड यू हैव टू डिसॉल्व शुगर, ओके, इन दिस सॉल्ट. और आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस मुझे बतानी है कि क्या आपको सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल लगा या शुगर ज़्यादा डिसॉल्व हो सकती है. ओके, किसके किस कंपोनेंट सॉल्यूट के, लाइक सॉल्ट के ज़्यादा आई या शुगर के ज़्यादा आपने टीस्पून्स ऐड कर पाए वाटर में, बट सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी टेकन. फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, तो फर्स्ट स्टेप है ये, तो टेबल का पार्ट था. दूसरा, सेकेंड आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट. अपनी मदर की भी हेल्प ले सकते हैं. हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग वाटर जो है, आपने को बॉइल्ड वाटर लेना है. ओके, और जितना आपने सॉल्ट ऐड, लास्ट लिमिट जो आपने ऐड करी थी सॉल्ट की, है ना, उसके बाद आपने देखा कि नहीं ऐड हो पा रहा था, अब गर्म पानी उतना ही लेके फिर से उतना सॉल्ट ऐड करके आपको देखना है कि वेदर द सॉल्ट इज सॉल्यूबल एट हाई टेम्परेचर और नॉट. एंड सेम विथ शुगर, शुगर के साथ भी आपको ये करना है. ओके, और आप अपनी ये फिर जो है मुझे ऑब्जर्वेशंस जो भी आपकी होंगी यू हैव टू डिस्कस विद मी.